सर कुछ कितना पानी पिए और कितना पानी ना पिए जिससे किडनी में अगर दिक्कत हो। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बताता हूँ। इसके बारे में अभी आप नोट करना, किडनी को 20% कार्डियक आउटपुट मिलता है, यानी 80% कार्डियक आउटपुट बाकी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा किडनी को कार्डियक आउटपुट जो मिलता है वो 20% है। हमारे खून के अंदर ही पानी, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स, हम जो खाते हैं उसकी एनर्जी, ये सब ब्लड से ही घूम के जाती है। और इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको बहुत ज्यादा हार्ट के अलावा सप्लाई मिलती है, वह किडनी ही है। यानी किडनी के पास कोई भी चीज बहुत जल्दी पहुंचती है जो हार्ट के माध्यम से पहुंचे कार्डियक आउटपुट का, और इट अकाउंट्स ओनली 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1% किडनी के पास रिटेन रहता है। द ब्लड सप्लाई की किडनी अराइज फ्रॉम दी आर्टरी से आती है, जो L2 लेवल, रीढ़ की हड्डी का L2 लेवल है। और इसके बारे में जो इसकी ब्रांचेस की अगर आप बात करें, वो खैर आपके लिए जानना जरूरी नहीं है नॉर्मल क्योंकि चर्चा के अंदर, परंतु ये आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अच्छी क्वांटिटी में पानी लेते हैं तो इसका निर्णय करने के लिए आपको आपके मूत्र की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, गर्मी के मौसम में आपने 2 लीटर पानी पिया तो करीबन 500-700 ml या 1 लीटर के आसपास पसीने के रूप में निकल गया। एग्जाम्पल, 500 ml पानी आपका निकल गया मूत्र के रूप में, और बाकी बचा 300-400 ml भाप बन के खाने के अंदर प्रयोग में आ गया या लैटरिन के अंदर मिक्स होकर निकल। अगर आपका सर्दी के मौसम में अगर आपने 2 लीटर पानी पिया और अगर 500 ml ही यूरिन आया तो 1 लीटर पानी आपके शरीर में जमा हो जाएगा। यानी पानी कितना पिए इसका निर्णय पेशाब कितना आ रहा है और पसीना कितना आ रहा है इसके ऊपर निर्णय तय होता है।